फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस द पोएम टाइम एंड टाइम अगेन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पोएम इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बोर्ड एग्जाम। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट स्टेंजा। टुडे वी विल डिस्कस द फर्स्ट टू स्टेंजाज ऑफ द पोएम। और लिसन टू द क्लॉक टावर्स ऑफ एनी वेल मैनेज्ड सिटी बीटिंग देयर गोंग्स राउंड द क्लॉक इज स्लाइटली ऑफ अदर्स टाइम डीपर और लाइटर। पॉइंट ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया है कि किसी भी वेल मैनेज सिटी के जो क्लॉक टावर है, जो घंटाघर है, उसकी आवाज को आप सुनिए। ये जो रेफरेंस इसने यूज किया है वेल मैनेज सिटी, वास्तव में वो मैनेज सिटी नहीं है। दैट इज कम्प्लीटली डिस्टर्ब्ड सोसाइटी, द सोसाइटी दैट इज कम्प्लीटली अफेक्टेड विथ ऑल काइंड्स ऑफ मीन वॉइसेस, ऑल काइंड्स ऑफ इविल्स। उसको उसने कहा है कि आप किसी भी मैनेज सिटी के घंटाघर के घड़ी, जो घड़ियाल है, यू कैन से जो घड़ी है, उसकी आवाज को सुनिए। और व्हाट विल यू रियलाइज कि हर जो घंटाघर में जो घड़ी लगी है वो दूसरे घंटाघर की घड़ी से थोड़ा टाइमिंग डिफर बताती है, डिफरेंट बताती है। इट मीन्स क्या है, ये जो घंटाघर है दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेरियस रिलीजन्स, अलग अलग रिलीजन्स का रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो। और क्या कह रहे हैं कि जो डिफरेंट रिलीजन्स के जो प्रीचर्स हैं, जो उपदेशक हैं, दे एक्सप्लेन द रिलीजन इन डिफरेंट वे, अलग अलग वे में वो रिलीजन को डिफरेंट वे में एक्सप्लेन करते हैं लोगों को। एंड इट क्रिएट्स डिस्प्यूट्स एंड वायलेंस अमंग द पीपुल, और इससे डिस्प्यूट और वायलेंस को जन्म देता है। इन इट्स ब्रॉन्ज बीटिंग आउट ऑफ ए डिफरेंट सीक्वेंस ईच हाफ एन आवर आउट ऑफ एक्सीडेंट्स ऑफ एलॉय ए मेकर शेकिंग हैंड इन स्विट्जरलैंड। पॉइंट कह रहा है कि परहैप्स ये जो घड़ियों के टाइमिंग में जो डिफरेंस है, शायद उस घंटाघर में, उस घड़ी में वो जो मिक्स्ड मेटल, जो मिश्रित धातु लगी हुई है, उसकी अमाउंट के कारण शायद कहीं पर अमाउंट ज्यादा है, अमाउंट कम है, इसलिए उनके टाइमिंग में अंतर आ रहा है। इसका जो हिडन मीनिंग वो क्या है कि ये जो लोगों में जो डिस्प्यूट है ड्यू टू द रिलीजन, ये ओनली किसके कारण है, इट इज ओनली ड्यू टू द रॉन्ग एक्सप्लेनेशन डिस्क्राइब्ड बाय द प्रीचर्स। परहैप्स दे डोंट नो हाउ टू टीच द रिलीजन, दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन द रिलीजन, क्योंकि वो जो प्रीचर्स है उन्हें अपने रिलीजन को शायद एक्सप्लेन करना नहीं आता है, और वो उसकी रॉन्ग एक्सप्लेनेशन लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, या शायद लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ऑल द रिलीजन आर द सेम, सभी धर्म वैसे एक है, फिर भी ये जो डिस्प्यूट है, वायलेंस है, किसके कारण है, द रॉन्ग एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलीजन बाय द प्रीचर्स। और द म्यूचुअल डिस्टेंस कॉमनेटिंग ए डोनर्स बीम द फिनेलियर फ्यूड्स एंड सीजनल अलायंस ऑफ हिंदू क्रिश्चियन एंड मुस्लिम। ओके, वो क्या कह रहा है कि परहैप्स जो दानदाता की सनक है उसके महिमा गान के कारण ऐसा हुआ। महिमा गान का अर्थ तुम आप ये कह सकते हैं कि शायद तो जो रिलीजन का प्रीचर है उसने रिलीजन को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया है, या जो लोग हैं वो उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, और इसी कारण ये जो वायलेंस है, जो डिस्टर्बेंस है, जो डिस्प्यूट है, वो क्रिएट होते हैं किसके बीच में, वेरियस जो रिलीजन है, जैसे चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियनिज्म हो, व्हाटएवर, और सीजनल अलायंस एंड पिनरल फ्यूड्स का मीनिंग क्या है। पिनरल फ्यूड्स मीन्स वाई कंटिन्यूसली ये जो ग्रुप है वो इस प्रकार के क्वारल में इन्वॉल्व होते हैं, और कभी कभार कुछ समय के लिए वो रुक जाते हैं और समाज में, सोसाइटी में हारमोनी आ जाती है। कट ऑफ समटाइम बाई ए चेंज ऑफ विंड, चेंज ऑफ माइंड और ए साइरन बिटवीन द पीस ऑफ बैक स्ट्रीट क्वारल। और ये जो लोग हैं दे क्वारल ओवर द ट्रैवल इश्यूज, छोटी छोटी बातों पर ये झगड़ा करते हैं, और कभी कभी शायद एटमोस्फियर में चेंज के कारण, उनकी अंडरस्टैंडिंग में चेंज के कारण, या किसी वार्निंग के कारण वो थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाते हैं। That's all for today. Have a nice day.